आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आंखों में आंसू होते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आप रोते हैं, जिससे प्रेम नहीं करते आप उसके लिए नहीं रोते। तो प्रेम की गवाही आंसू है। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान की याद में रोता है और उसका रोना उसके आंखों के आंसू इस बात के गवाह हैं कि वो भगवान से प्रेम करता है। और भगवान को नेत्रों का जल चाहिए, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती ना मेवा ना मिष्ठान, केवल प्रेम, केवल प्रेम। वो प्रेम की नदी बह पड़े और आप उस नदी में डूब जाएं, उस प्रेम के सागर में डूब जाएं। प्रेम, आप सब प्रेम करते जरूर हैं साहब, पर आप प्रेम को जानते नहीं, प्रेम की गहराई में कभी उतरे नहीं, क्योंकि आपका प्रेम सांसारिक प्रेम है, स्वार्थी प्रेम है, पत्नी और पति और पुत्र और परिवार वाला प्रेम है। जरा कभी भगवान से करके देखना, संसार का प्रेम एक तरफ और भगवान का प्रेम एक तरफ। संसार का प्रेम 100 किलो और भगवान से किया गया प्रेम 1 ग्राम। वो 1 ग्राम प्रेम रखना एक पलड़े पर और संसार का प्रेम रखना 100 किलो, तो 100 किलो पर वो 1 ग्राम प्रेम भारी होगा साहब, पर वो 1 ग्राम प्रेम ठाकुर जी से, भगवान से हो। तुम्हारी आंखों के आंसू यदि हम तौलें और 1 ग्राम आंसू, जैसे कोई मर जाता है ना तो उस समय लोग रोते हैं, तो मिनिमम उस समय किसी के मरने पे जब आप रोते हैं तो फिर भी मुझे लगता है कि 100 ग्राम 50 ग्राम तो आंसू बह ही जाते होंगे, जो ज़्यादा नज़दीकी का है। तो आपने एक आदमी के लिए 50 ग्राम आंसू बहाए, मुझे आप बताओ कि आपने सारी जिंदगी में भगवान के लिए कितने ग्राम आंसू बहाए। आप एक काम करना, आज तक आपने, आप लोग बचपन में रोते थे ना, वो किसके लिए रोते थे? खिलौनों के लिए, खिलौनों के लिए आंसू बहाए हैं आपने, तो माने खिलौने दिलाए। फिर अपनी अपनी पसंद के लिए आपने आंसू बहाए, नहीं मिला तो आंसू बहाए, सफलताएं नहीं मिली तो आंसू बहाए, बेटा नहीं मिला बेटी नहीं मिली तो आंसू बहाए, पत्नी नहीं मिली पति नहीं मिला तो आंसू बहाए, पैसा नहीं मिला तो आंसू बहाए, नुकसान हो गया तो आंसू बहाए, कोई मर गया तो आंसू बहाए, चोट लग गई तो आंसू बहाए। आपने अपने लिए आंसू बहाए हैं, वो आंसू कितने होंगे आज तक? कितने, मुझे लगता किलो भर आंसू तो बहा चुके होंगे आप। सारे आंसुओं को तौल दिया जाए तो ज़्यादा होगा। मुझे बस ये बताओ कि आज तक आपने भगवान के लिए कितने ग्राम आंसू बहाए? कब कब आप भगवान के लिए रोए ये कहकर कि हे नाथ मैं आपकी हूँ, मैं अपराधी हूँ, हे नाथ मुझे स्वीकार करो, हे करुणा निधान कब दर्शन दोगे, क्या आपका दर्शन किए बिना ये प्राण निकल जाएंगे? कब कब आप भगवान के लिए रोए, कब कब आप भगवान के लिए तड़पे? बस आज मुझे अपने उन आंसुओं का हिसाब दे दो जो आंसू आपने भगवान के लिए बहाए हैं, दे दो। और ये समझो कि ये हिसाब आज मैं मांग रहा हूँ, कल श्याम सुंदर मांगेंगे आपसे कि बताओ तुम्हारे कितने आंसू हैं वो जो तुमने मेरे लिए बहाए। आप कहते हैं हम प्यार करते हैं भगवान से, कह देने से क्या होता है साहब? मैं भी कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं देश का तो कह देने से हो जाऊंगा? आप भी कह दो कि आप राष्ट्रपति हैं भारत देश के, कह देने में कौन सा खर्चा है? मैं भगवान से प्यार करता हूं, कह दो, क्या बुराई है? कह देना सरल है साहब, करना कठिन है। कहने वालों की जनसंख्या ज्यादा है, करने वाले वो विरले, वो भगवान की याद में रोने वाली मीरा, वो भगवान की याद में रोने वाले नरसी, वो भगवान से प्रेम करने वाला भक्त कहीं लाखों में करोड़ों में कोई विरला होता है। लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, अरे मिल तो जाएं, मिल तो जाएं भगवान, क्या तुम देखने की पात्रता रखते हो?
क्या तुम्हें मिलने की अभिलाषा है, चाह है, इच्छा है, या सिर्फ सबकी तरह? एक ने कहा, हुआ 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 सब हुआ। वो सच्चा प्रेम चाहिए ना मेरी माँ। किसी लड़की को, किसी बहू को बेटा ना होए ना तो रोती है, एक किलो आंसू बहा देती है वो, मेरे बेटा नहीं है, हे भगवान बेटा दो, मेरे बेटा नहीं है, कहाँ मिलेगा बेटा, बाबा जी तुम बेटा दे दो, बाबा जी कृपा करो, इस मंदिर उस मंदिर, इस बाबा उस बाबा, यहाँ वहाँ घूमती है। किसके लिए? औलाद के लिए। सवाल आपसे करता हूँ, जितना एक स्त्री पुत्र के लिए रोती है, उतना उतने के आधे आंसू भी कभी भगवान के लिए बहाए तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। बेटे में क्या रखा है? पर बेटे के लिए रोना सरल है, भगवान के लिए रोना कठिन है। बेटा सबको दिखता है, नहीं होगा तो जमाना ताना मारेगा, इसलिए बेटा लोग चाहते हैं कि दुनिया हमें ताना ना मारे। लेकिन शायद बेटे ना होने का ताना मारने वाले लोग कम हैं, पर भगवान को ना पाए, बिना पाए भगवान को यहां से चले गए तो फिर जो ताने मिलेंगे कि मानव तन क्यों पाया था, क्यों गवा दिया ये अनमोल शरीर भगवान को ना पाया, तो मानव तन पाने का अर्थ क्या है? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, प्यार भगवान से प्यार करता हूं, करती हूं, कहो मत करो। और प्रेम कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, इस धरती में आपको कोई ये नहीं सिखा सकता कि प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम कैसे किया जाता है ये आप सबको आता है, बस जितना प्रेम पत्नी से, पुत्र से, परिवार से है, उतना भगवान से हो जाए तो नैया सबकी पार हो जाएगी। पर क्या कहें साहब, जगत से प्रेम तो है, जगन्नाथ से नहीं। आज कुछ लोगों की मैं बात करूं तो कुछ लोग कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते से प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करो, करो, जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, पर जितना प्रेम कुछ लोग कुत्ते से करते हैं ना, उतना प्रेम सारी जिंदगी में वो भगवान से नहीं कर पाते। ये कड़वा है पर सच। आप जितना प्रेम अपने बेटे से करते हैं ना, एक बेटा होगा एक से करेंगे, दो बेटे होंगे दो से करेंगे, चार बेटे होंगे आप चारों से प्रेम करेंगे, पर जितना प्रेम आप पुत्र से करते हैं, भले वो लात मारता हो फिर भी आप उससे प्रेम करते हैं, पर उतना भगवान से नहीं कर पाते। यही तो विडंबना। भगवान से प्रेम ही भगवान की भक्ति है। आप भक्ति की परिभाषा समझो, बिना प्रेम के माला जपने से क्या होगा? जपते रहो, जपते रहो। प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करूं तो आप मेरे घर की बासी रोटी खाने को तैयार हो जाएंगे नमक के साथ, हाँ या ना? प्रेम में आदमी बासी रोटी खा सकता है, पर अभिमान में आप किसी के घर छप्पन भोग नहीं खाएंगे। प्रेम नहीं है सामने वाले का आपसे तो आप उसके, और वो अभिमान और करे तो आप उसके घर का छप्पन भोग नहीं खाएंगे। आप किसके भूखे हैं बोलो? आप किसी के घर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? प्रेम के कारण बोलो। हाँ, आप किस चीज की चाहत रखते हैं? आपका पति कैसा हो? आपको खूब पैसा दे ऐसा हो, या आपको खूब प्यार करे ऐसा हो? आपकी पत्नी कैसी हो? आपको प्रेम करे ऐसी हो, या आपको गालियां दे ऐसी हो? कैसी हो? प्रेम। छोटे छोटे बच्चे क्या चाहते हैं आपसे बोलो? प्रेम। कुत्ते को आप रोटी ऐसे देंगे ना तो पूंछ हिला के प्रेम से वहीं बैठ के खाएगा, और
यदि घर में घुस के चोरी करता है तो मुंह में दबाकर दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता है ये रोटी प्रेम की है, इसलिए यहीं खा लो। उसे भी पता है ये बेईमानी की है, चोरी किया हूं तो दूर ले जाके खाता है उसे। प्रेम की परिभाषा कुत्ता भी जानता है, हाँ या ना? इसलिए प्रेम, आप प्रेम के भूखे हैं, आप अपनों से प्रेम चाहते हैं, तो भगवान आपसे क्या चाहते हैं बोलो? तो भगवान को आप क्या देते हैं? पुष्प, नारियल। नारियल तोड़ दिया, हे भगवान दो चार अगरबत्ती, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान दो नारियल और फोड़ेंगे। इसका नाम भक्ति है? इसका भक्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना? आज मंदिरों में आपने देखा होगा, मंदिरों के बाहर लिखा होता है सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, मतलब इस मंदिर में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग लिखवाते हैं ना मंदिरों में, सर्व सिद्धि मंदिर, सब प्रकार की सिद्धियां यहां मिलती हैं, सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका मतलब क्या है? आप मंदिर क्या इसलिए जाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? इसलिए यदि जाते हैं तो मत जाया करो, क्योंकि मनोकामनाएं आपकी ना भी पूर्ण है। मनोकामना जो आपकी कामना है, सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, बताइए आज तक किसी की सर्व मनोकामना, सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूरी हो पाई आज तक? तुम्हारे बाप दादों की हुई? रावण की सारी इच्छा पूरी हो गई थी? जब रावण जैसों की सर्व मनोकामना पूर्ण ना हो पाई, सारी इच्छा पूर्ण ना हो पाई, तुम्हारी हमारी हो जाएंगी? तो ये मंदिर के बाहर जो ये लिखवाते हैं लोग सर्व मनोकामना, ये कौन लोग लिखवाते हैं? ये वो लोग लिखवाते हैं कि लोग इस बहाने मंदिर आए, चढ़ावा चढ़ाएं। ना तो भगवान को तुम्हारे चढ़ावे से मतलब है, ना तो भगवान को इस बात से मतलब है कि तुम यहां आओ या मत आओ। तुम सनातनी हो, इतनी सी बात तो समझो। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम यहां आओगे तो ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। हम तो कहते हैं जो कामना लेकर जाते हैं उनकी कामना पूर्ण होती ही नहीं है। जो निष्काम होके जाते हैं भगवान के चरणों में, भगवान उन्हीं की सारी इच्छाएं, उनकी इच्छाएं रह ही नहीं जाती, खत्म। इसलिए भगवान के द्वार पर तो कम से कम स्वार्थी बनकर ना जाओ, भगवान के द्वार पर तो निष्काम होकर जाना चाहिए। भगवान के मंदिर कैसे जाना चाहिए? जोर से, जोर से, निष्काम, निष्काम। फिर अब आप सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी हमारी कोई इच्छा हुई तो हम किससे कहेंगे? तो एक बात बताएं, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, मैंने क्या कहा प्रेम की क्या परिभाषा है? तत्सुख सुखित्वम। जो भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा है कि मैं महलों में रहूं तो उनकी इच्छा से मैं महलों में रहूं, ये प्रेम है। और उनकी इच्छा है कि मैं झोपड़ी में रहूं तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मानकर सदा भगवान का धन्यवाद करते रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना, इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा है कि सुदामा जी घर घर भिक्षा मांगे तो सुदामा जी मांगते हैं। सुदामा जी शिकायत नहीं करते कि मैं इतना बड़ा भगत हूं और तुम्हें, तुम्हारा मित्र भगवान के मित्र थे फिर भी गरीबी से गुजर गए, सुदामा जी क्या शिकायत करी कि भगवान तुमने हमें यह नहीं दिया? वो गए थे क्या मंदिर, सर्व मनोकामना सिद्धि मंदिर, सुदामा जी के भाई हमारा भी काम बनाओ? सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए,
समझो। तो सुदामा जी ने भगवान से मांगा नहीं कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, बताओ मांगा हो तो, मांगा नहीं, लिया नहीं, बल्कि अपनी औकात अपनी हैसियत के हिसाब से मुट्ठी भर चावल पकड़ा दिया। गोविंद तेरे से लेने नहीं आए, तुझे देने आया हूं। और जब सुदामा ने दिया तो बताओ भगवान ने दिया कि नहीं, मांगना पड़ा सुदामा को। जब सुदामा को बिना मांगे मिला है तो विश्वास रखना भगवान पर, प्रेम तो करो, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान कोई बहरे नहीं है, वो सब सुन रहे हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, अंधे नहीं है, सब देख रहे हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। तुम सच्चा प्रेम करो, तुम्हारी कामनाएं कितनी कौड़ी भर की तो कामनाएं, मुट्ठी भर तो कामनाएं हैं तुम्हारी, तुम्हारी इच्छाएं भी कोई ज्यादा थोड़ी हैं, पर वो इच्छाएं इसलिए अधूरी हैं क्योंकि पहले मांग लेते हो, और मांगे से आदमी मर जाता है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से मरना भला, मांगना मरने के समान। भगवान से प्रेम करो सच्चा, मांगने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो भगवान से प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करते हैं उन्हें बिना मांगे भगवान वो देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, प्रभु आपने इतना दिया कि मेरी झोली, ये उन्हें देते हैं जो निष्काम होते हैं।